यूपी के बांदा में एक युवक का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर एक्सपर्ट की टीम पहुंचकर जांच में जुटी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जुटाए जा रहे साक्ष्य। पूरा मामला शहर कोतवाली के सर्वोदय नगर मोहल्ले का है। सीओ सिटी अंबुजा त्रिवेदी ने बताया कि मामला शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी अंतर्गत सर्वोदय नगर मोहल्ले का है, जहां पर तालाब में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को तालाब से निकालकर कब्जे में ले लिया। साथ ही शव की शिनाख्त भी हो चुकी है, जिसका नाम संतोष पुत्र नत्थू आरक है, जो कि शंकर नगर का रहने वाला है। इसके अलावा जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन भी किया जा रहा है। जांच में यह निकल कर आया कि युवक शराब का आदि था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत चौकी सिविल लाइन में एक सर्वोदय नगर मोहल्ला है, जहां पर तालाब के पास एक शव की बरामदगी हुई। मृतक की शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम संतोष पुत्र नत्थू आरक है, जो कि शंकर नगर का रहने वाला है। उम्र करीब 48 वर्ष है और जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया जा रहा है। जांच में यह निकल कर आया है कि मृतक जो है वो शराब पीने का आदी था। शव को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।